सरकार आने के बाद 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3,000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को और 1,500 रुपए जिनको डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। तो मसौरा जी ने कहा क्या था मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं सरकार को उनके लिए काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को बड़ा सा बड़ा सपना देखने का हक है। अगर किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बसवना जी ने कहा। इधर बसवना उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए और इधर कूड़ा महिला रक्षण आगे। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने बसवना जी की जो सोच है उस पे हमने वायदे किए। जो तो ना कांग्रेस पक्ष बसवण आश्चर्य तत्व सिद्धांत नड़कोटी। बसवना जी ने कहा था कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। बसवण महिला रक्षण आगे हमने गृहलक्ष्मी स्कीम दिया। ना गृहलक्ष्मी योजना को सरकार आने के बाद 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी सर्वतना गृहलक्ष्मी योजना सरकार बंद मेले प्रति कुटुंब के 2,000 रुपए प्रति तिंगल ना को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को 200 यूनिट ग्रह ज्योति योजना प्रति तिंगल प्रति मन के ना को अन्नभाग्य स्कीम 10 केजी हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। यो तो अन्नभाग्य योजना प्रतियोंदु परिवार प्रतियोब सदस्य 10 केजी अक्कियन्नु कोडलागुत्तदे। और शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3,000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को। बाल महत्व तो युवा निधि योजना प्रति तिंगल 3,000 रुपए प्रतियोब पदवी तरगे कोडुत्तदे और 1,500 रुपए जिनको डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने 1,500 रुपए वो तो डिप्लोमा होल्डर्स उनके को लागत होगी। तो एक तरफ हमने जो वायदे किए हैं बसवना जी की सोच के वायदे किए।